दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल स्पोर्ट चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा इंग्लैंड वुमेन वर्सेस वेस्टर्न वुमेन के बीच में थर्ड T20 आज होने वाला, उसकी टीम दूंगा ड्रीम इलेवन और प्लेस पर दोनों की टीम दूंगा स्मॉल लीग के लिए दोस्तों। और एक और बात, तीन मैच सीरीज थी, पहला मैच रद्द हो गया और दूसरा मैच इंग्लैंड ने बड़े आराम से विन किया था, 180 रन मारा 20 ओवर में, 9 विकेट खोकर। वहीं वेस्टइंडीज ने मात्र 138 रन मारा 9 विकेट पर 20 ओवर में, मतलब बहुत बुरी तरह हारी। इसमें भी ज़्यादा चांस है कि इंग्लैंड वुमेन भी जीते। चलिए देख लेते क्या हो सकती है प्ले इलेवन, क्या रहा प्लेयर्स का परफॉर्मेंस और आप क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम और प्लेस फॉर टीम। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, आपको इससे ये फ़ायदा होगा कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो जल्द से जल्द देख कर टीम बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक तो कर दिया कीजिए और डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए क्या क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, आई मैं इम्प्रूव करूँगा इसमें क्या है। और चलिए देख लेते हैं टीम और इसकी फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टॉस के बाद आएगी प्ले इलेवन से हिसाब से मैं बनाऊंगा अपनी फाइनल टीम, आपको अपने अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। स्पोर्ट्स चैनल के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर टेलीग्राम लिंक काम ना करे तो आप चैनल पर सर्च कीजिए जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्पोर्ट्स चैनल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखे थे प्ले इलेवन वेस्टर्न वुमेन और दोनों की, तो आप देख सकते हैं वेस्टइंडीज वुमेन की ओपनिंग करती है कूपर और हेली मैथ्यूज ने पिछला मैच किया था, कूपर बहुत 0/8 हो गई थी। आप यहां से किंग को ओपनिंग कराया जा सकता है या मैकलिन को ओपनिंग कराया जा सकता है, तो फिलहाल इनको ड्रॉप करना दोस्तों, आप ग्रेल नहीं पिक करना। फिलहाल हेली मैथ्यूज ने 2 रन मारे 1 विकेट निकाले, फिर किंग ने 43 रन मारे खेली, यहाँ से स्टेफनी टेलर ने 19 रन 1 विकेट नहीं निकाल पाई, फिर नेशन ने 32 रन पारे खेली, मैकली ने 9 रन पारे खेली, नाइट ने 7 रन मारे, फिर हेनरी ने 6 रन प्लस 1 विकेट और यहाँ से रैमहार को खिलाया गया, सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग की और उसमें 13 रन पिटा दी और उसके बाद बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है इस मैच में इनको ड्रॉप किया जाएगा और सेलमन खिलाया जा सकता है। फिर यहाँ से कॉर्नेल ने 1 रन 1 विकेट निकाले, फिर यहाँ से एफी फ्लेचर ने भी 1 विकेट निकाला और 13 रन नॉट आउट पारी भी खेली, तो ये हो सकती प्ले ने मेरे हिसाब से। इंपॉर्टेंट प्लेयर बात कर ले, टेलर है, किंग है, हेली मैथ्यूज है, नेशन है, यहाँ से हेनरी है, फिर एफी फ्लेचर कॉर्नेल, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर स्मॉल लीग में ले सकते हैं। आप हेनरी को भी ट्राई कर सकते हैं एज ग्रेन लीग में। बात कर ले इंग्लैंड वुमेन की क्या हो सकती है प्ले इलेवन, तो आप देख सकते हैं एमी जोनस ओपनिंग करती है डेनियल वाइट के साथ, डेनियल वाइट ने 81 की पारी खेली, एमी जोनस ने 37 रन की, फिर टीम बी माउंट ने ओनली 2 रन मारे, फिर यहाँ से नटालिया T20 में ऊपर बैटिंग करने आती है, फर्स्ट रन भी बैटिंग करने आ सकती है, यहाँ से पिछले मैच 31 पारी खेली और 1 विकेट भी निकाली, कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है स्मॉल लीग में। फिर नाइट है जो कैप्टन अपनी टीम की ओर से 22 रन मारे, फिर ब्रंट ने 2 विकेट निकाले, फिर टेलर ने सारा टेलर इनकी जो विकेट कीपर है सिर्फ 2 रन मारी और नॉट आउट रही, फिर यहाँ से मतलब ओवर ही नहीं बचा, फिर सरफसोल ने 0 रन 1 विकेट भी निकाले, स्मिथ ने 2 विकेट निकाले। स्मिथ T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है, इनको खिलाया जा सकता है, हर एक मैच खिलाया जाता है, फिर यहाँ से एक्लिस्टन भी 1 विकेट निकाल ली, कैटकोस ने एक भी विकेट नहीं निकाला, अगर इनको ड्रॉप किया जा सकता है तो लोरा मास को खिलाया जा सकता है इनकी जगह पर, तो ये प्लेन हो सकती है मेरे हिसाब से इंग्लैंड वुमेन की। चलिए देख लेते क्या हो सकती है मैं ड्रीम इलेवन टीम एंड प्लेस फॉर टीम। ये प्ले स्पॉट एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन, अगर आप ड्रीम में लॉस कर रहे हैं, लॉस तो करेंगे ही क्योंकि काफ़ी कंपटीशन हाई है वहाँ, आप यहाँ खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ लो कंपटीशन आराम से विनिंग हो जाती है। आप पेटीएम प्लस बैंक विड्रो मात्र 5 सेकेंड में, जी दोस्तों 5 सेकेंड में। एक और सबसे बड़ी बात, 100% बोनस यूजेबल, वो भी एरा गरा टाइप का नहीं, 100% बोनस यूज करना देता भी है तो स्मॉल लीग में भी यूज़ करने आपको देता है, हर एक स्मॉल लीग में मतलब सारे लीग जो भी बनाता लीग सब में 100% बोनस यूजेबल है। चलिए देख लेते क्या हो सकती है टीम मेरी और इसका पॉइंट सिस्टम काफ़ी अलग है, आप पहले इसका पॉइंट सिस्टम समझिए तब आराम से विन कीजिएगा। मैं समझ चुका हूँ, अगर आप मेरे टीम से खेलना चाहे आराम से विन कीजिएगा, इसकी टीम आपको मिल जाएगी मैं टेलीग्राम चैनल पर, जाकर वहाँ जुड़ जाइए। ये दो दो लीग खिलवाता है, एक सेफ मोड वाली जिसमें आपको प्ले इलेवन मिल जाएगी, एक रेगुलर मैचेस वाली जिसमें आपको प्ले इलेवन नहीं मिलेगी, तो चलिए देख लेते हैं। मैं अभी आपकी रेगुलर मैचेस की टीम दूंगा, सेफ मोड की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मीलेगी टॉस के बाद। यहाँ से मैंने विकेट कीपर में पिक किया हुआ एमी जोनस को, आप पिक करना चाहें नाइट को पिक कर सकते हैं, यहाँ से टेलर भी है, मैकलिन भी है, सारे प्लेयर खेलेंगे,
बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में हेली मैथ्यूज को पिक किया हूँ, नटाली को पिक किया हूँ, स्टेफनी टेलर को पिक किया हूँ। ऑप्शन में अगर पास सिर्फ हेनरी है सेफ ऑप्शन, आप इनको पिक करना चाहे कर सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एफी फ्लेचर, यहाँ से ब्रांड को पिक किया हूँ, स्मिथ को पिक किया हूँ और एक्लिस्टन को पिक किया हूँ दोस्तों। ऑप्शन में अगर पास कॉर्नेल इनको पिक करना चाहे कर सकते हैं, और कैट क्रॉस है तो रिस्की हो सकती है, एंड श्रप्सोल इनको भी पिक कर सकते हैं आप अपने स्मॉल लीग टीम में। बात करें बैटिंग सेक्शन में आप डेनियल वार्ड को पिक कर सकते हैं, मैंने पिक किया हूँ, यहाँ से किंग को पिक कर सकते हैं और बीमार को पिक कर सकते हैं। आप जाना चाहते हैं यहाँ से हिदन नाइट को पिक, इनको भी पिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, अपनी मर्जी से आप पिक कर सकते हैं, क्रेडिट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन कैसे परफॉर्म, बीमार कैसे परफॉर्म करेगा और हिदन नाइट कौन आज कैसे परफॉर्म करेगा वही विन कराएगा, क्योंकि सारे प्लेयर सेम रहेंगे स्मॉल लीग में प्ले स्पॉट में, सिर्फ बीमाउंट या हिदन नाइट में चॉइस रहेगा कौन किसको पिक करता है, कौन कैसा परफॉर्म करता है। बाकी मुझे लगता है सारे प्लेयर सेम होंगे सारे प्लेयर के स्मॉल लीग में। तो चलिए देख लेते हैं कैप्टन मेरे क्या रहेंगे, यहाँ से मेरे कैप्टन रहेंगे नटाली रहेगी क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म कर रही है, और यहाँ से अब बात करूँगा वाइस कैप्टन, तो यहाँ से डेनियल वार्ड को पिक करूँगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, टेलर को पिक कर सकते हैं, यहाँ से आप मैथ्यूज को पिक कर सकते हैं, यहाँ से एमी जोनस को पिक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में है दोस्तों, लेकिन जो कैसे परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, वही जीतेगा दोस्तों जिसका लक काम कर गया। तो ये होगी मेरे प्ले स्पोर्ट की टीम, और इसकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं, आप इसमें पब्लिक पोर्ट ही खासकर खेलें क्योंकि इसमें आराम से विनिंग होती है, क्योंकि इसमें और लो कंपटीशन है दोस्तों, बहुत सारे लीग है लो कंपटीशन, आराम से विनिंग होती है। अब बात कर लेते हैं प्ले स्पोर्ट ड्रीम टीम के बारे में, इसकी टीम फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टॉस के बाद ही मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, फिर बोल रहा हूँ। यहाँ से विकेट कीपर में जोनस को भी पिक किया हूँ, बैटिंग में वही वाइट को, बेबाउंट और किंग को पिक किया हूँ, आप चाहें जाना चाहें फुल बोल रहा हूँ जाना चाहें जा सकते हैं हिदन नाइट के साथ, वही दोनों मंत्र पैदा करेगा कौन किसको पिक कर रहा है, आप जिनको साथ जानना चाहे जा सकते हैं, फिलहाल मैं जा रहा हूँ बीमाउंट के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में टेलर को, मैथ्यूज को, नटाली को पिक कर रहा हूँ। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभी फ्लेचर ब्रांड सेम वही है, एक्लिस्टन भी है, लिंसी स्मिथ भी है। ऑप्शन में वापस सरफसोल बता चुका हूँ, कॉर्नेल है बता चुका हूँ, तो ये फिलहाल टाइम रहेगी। कैप्टन मेरे वही सेम रहेंगे नटालिया, वाइस कैप्टन सेम डेनियल वाइट, ऑप्शन बता चुका कैप्टन वाइस कैप्टन की। दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दे, प्लीज़ लाइक कर दे दोस्तों, नहीं पसंद है डिसलाइक भी कर दे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।